This video is available in Hindi, Tamil and Telugu. कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता। चलो, ये हमारा स्टूडेंट था सुधीर, उसने लिखा था कि तेरा जिंदगी अगर यूपीएससी एग्जाम होता, कि अगर तेरा जिंदगी यूपीएससी का एग्जाम होता तो मैं हर मर्तबा रैंक वन से पास होता, प्रीलिम्स में तेरी पसंद नापसंद के सवाल होते और ओएमआर सीट पर हमारे इश्क के निशान होते। अच्छा चलो चलो चलो, बस बस बस, चलो बैक टू क्वेश्चन। ए ये क्या है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क इंडस्ट्री, पिंक रेवोल्यूशन पोल्ट्री और मीट इंडस्ट्री, और फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन कौन है? दुर्गेश पटेल। कौन? दुर्गेश पटेल, याद रहेगा ये? यस सर। हां, ये यार तुमने 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने गलत जवाब दिया। कि सिंपल क्वेश्चन है, 28 फरवरी कौन सा दिन मनाते हैं सर? नेशनल साइंस डे। और उसी दिन क्यों मनाते हैं? कोई बड़े वैज्ञानिक पैदा वैदा हुए होंगे सर उस दिन। वैज्ञानिक पैदा होंगे, कहीं आप तो पैदा नहीं हुए थे? कोई और? हां सर, सीवी रमन ने उस दिन रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, जिसकी वजह से उनको और इंडिया को पहला साइंस का नोबेल प्राइज मिला था। सही है, सुने वैज्ञानिक। चलो डन, आज का क्लास ओवर। थैंक यू सर। हाँ सर। और भाई मॉक टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म क्यों, पढ़ाई मन लग रहा है क्या? सर पिछली बार जब मार्क्स कम आए थे तो पॉकेट मनी काट दी थी आपके चरण सर ने, तब से मैंने सोच लिया सर और कुछ नहीं कटवाना। सर आप वो बाकी के दो टास्क भी बता देते तो मैं लग जाता उनमें। हाँ, ये बाकी का दोनों टास्क में एस्पिरेंट्स का मदद लगेगा। अच्छा। हाँ तो दूसरा टास्क है ये मेरा किताब के लिए, कुछ करेंट एस्पिरेंट्स का टेस्टिमोनियल लगेगा। सर पर मैं तो यहाँ पे किसी से बात करता नहीं हूँ। तो बात करो, तुम बात करोगे तो मैं तुम्हारा पिताजी से बात करूंगा। ठीक है सर। सर वो आप थर्ड टास्क भी बताए थे ना, तो मैं दोनों को साथ में कर देता और जल्दी करके यहाँ से निकल जाता। नहीं नहीं सही है सही है, ये तीसरा टास्क भी इसी से रिलेटेड है जी। एक पुराने एस्पिरेंट का इंटरव्यू लगेगा कि ओल्ड राजेंद्र नगर का उसकी जर्नी में क्या इंपॉर्टेंस रहा है। सर मैं तो किसी और एस्पिरेंट को जानता हूँ पुराने। एक कुछ तो बनाया था, ये लिस्ट है कुछ ओल्ड एस्पिरेंट्स का। अच्छा बात कर लो। अरे बढ़िया, आधा काम हमने कर लिया है, आधा काम तुम कर लो, है नहीं? थैंक यू सर। गुरी, धैर्य, अभिलाष, अभिलाष, संदीप भैया। अरे ऐसे जाता मैडम, ये वो मार कर दिया था आपने उस दिन तो। अरे क्या आप छोटा छोटा चीज वापस करते रहते हैं, ये गिफ्ट समझ के रख लिया कीजिए आप। सर गिफ्ट ही देना है तो एक डस्टर दे दीजिए, वो मेरी क्लास वाला मिल नहीं। अरे ये डस्टर, डस्टर, ये डस्टर। थैंक यू। शाम की चाय मेरी तरफ से। हाँ शंभू के यहाँ मिलते हैं फिर। ठीक है। क्या बात है इसके सर? अरे दोस्त है यार, ये ओल्ड राजेंद्र नगर में गुजारा करने के लिए दोस्तों का जरूरत पड़ता है। तुम भी मना लो भाई। सर मैंने कितना ही टाइम गुजारना है सर यहाँ पे, और वैसे भी दोस्त इतनी जल्दी कहाँ बनते हैं? आपके बन गए थे सर जब आप आए थे अपने टाइम पे। हाँ काफी दोस्त थे, और दो बड़े खास थे, वो कॉलेज से ही साथ में थे तो हम तीनों को बोलते थे ट्राइपॉड एकदम ठाक। काफी लकी हो सर आप, ना कॉलेज के दोस्त हमेशा क्लोज रहे ऐसा जरूरी नहीं होता। मैं लगता हूँ सर इस पे। हाँ थैंक यू।
भाई सुन, अगर बॉस पूछे ना तो बोलना मैं निकल गया, ठीक है? क्या हुआ? तब भी तो ठीक है ना? हाँ भाई, तो एक जरूरी काम करना है। भाई क्या यार, हाय मैम, मेरे को ना एक्चुअली टेस्टिमोनी, भारत है नहीं मनीष। अरे भाई 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 भाई, हाय, दो मिनट है, एक काम था भाई। नहीं ये टाइम नहीं है, मैं दो मिनट लेंगे यार, बस दो मिनट भाई। दो मिनट में ना 120 सेकंड होते हैं, और एक एस्पिरेंट की लाइफ में ना एक एक सेकंड बहुत कीमती है। वैसे भी 86,400 ही मिलते हैं बस एक दिन में। करा देना यार 16 सेकंड वेस्ट। हट यार, अरे कमाल कर रहे हो यार, कहीं भाग रहे हैं क्या? मेंस तक तो यही है ना? अरे तुम तो अगले साल के मेंस तक भी यही हो, लेकिन आज से उधारी का चाय बंद। मतलब क्या आपका? क्या मतलब होता है? मतलब क्या आपका मेंस तक यही है अगले साल तक? अरे 200-400 रुपए के लिए ना बद्दुआ मत दीजिए। अरे जाओ यार तुम, क्या शर्म हो गया यार? अरे चाय दो यार। अगर मैं तेरी उधारी चुका दूं तो मेरा एक काम करेगा? थैंक यू। एक मिनट, मिठाई कौन देगा? खाली पेट चाय पिला कर गैस करवाओगे? मिठाई खत्म हो गया है नहीं अभी। स्टार्ट कर दे। स्टार्ट कर। एसके सर जितने अच्छे अध्यापक हैं, उससे कई अच्छे मनुष्य भी हैं। यहाँ के हर दूसरे एस्पिरेंट्स पर उनकी नजर रहती है। अगर ये ओल्ड राजेंद्र नगर गौतम है तो एसके सर यहाँ के बेटमैन है। गौतम नहीं, गौतम नमो भैया। कोई नहीं, थैंक यू। आज एक्चुअली मैं ये एस्पिरेंट्स का टेस्टिमोनियल ले रहा हूँ, आपका किसी और दिन कर लेते हैं। एक अटेम्प्ट तो हम भी दिए कुछ साल पहले, इतने दिनों में खुद एक चाय नहीं पिया मेरा, दूसरों की उधारी उतार रहे हैं। छोड़ो, चलो करते हैं। एसके सर है तो एसके सर बाकी सबके लिए टीचर है, पर मेरे लिए गुरु है। अब जैसे एकलव्य ने गुरुद्रोण को गुरु दक्षिणा में एक अंगूठा ही दिया था, है? पर मैं एसके सर के लिए चारों दे सकता हूँ। चारों? अरे तो पैर के भी तो है। देखो, एसके सर बाकी सारे एस्पायरिंग के लिए श्वेत केतु है, पर मेरे लिए श्री कृष्णा है। कृष्णा? ए प्रकाश, श्री कृष्णा नहीं, श्री कृष्णा। अश्वेत केतु नहीं, श्वेत केतु। सौ और सौ में दिक्कत है तुम्हारा, प्रैक्टिस करो। चलो चलो भाई, फाइनली एक दोस्त तो बना तुम्हारा है। काम कराने के और भी तरीके होते हैं सर। तरीका कोई भी हो, काम होना चाहिए बस। काम हो जाएगा सर, काम तो आज ही हो जाएगा। मेरी प्रकाश से बात होगी, इससे बोला मैं 4-5 लड़कों से मिलवा देगा। हाँ। टेस्टिमोनियल दे देंगे। यार फिर तो वो लिस्ट से एक इंटरव्यू फाइनल करो, और क्या। हाँ सर, मेरे को यही बात करनी थी आपसे। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि मेरे को जिनका इंटरव्यू लेना था ना, उनका नाम उस लिस्ट में है ही नहीं सर। का है उसमें नाम? गुरी है, अभिलाष है, संदीप भैया, धैर्या है, पेमा है, सबका है। किसी को कॉल लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। सुजाता मैम। यार मतलब वो भी तो आपकी तरह टीचर बनने से पहले एक एस्पिरेंट ही थी। सेम सेम सेम। ये जो सामने होता है उसका दिमाग में नाम नहीं आता है। बाकी सब मैं उनको छोड़ के सबका नाम लिख दिया। सुजाता मैम? नहीं 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 सर, तो मैंने एक प्लान बनाया है। हाँ। कि जैसे संडे के दिन सुजाता मैम की छुट्टी होती है, तो उस दिन सोचा है कि मिल लूंगा उनसे, फिर उन्हें किसी अच्छी सी कॉफी शॉप ले जाऊंगा, वहीं बैठ के बातें करते करते ये सारे सवाल भी हो जाएंगे, इंटरव्यू भी हो जाएगा। हाँ। आशीष मैं क्या कह रहा हूँ, ये फाइनल टास्क के लिए तुम क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो,
और ये इंटरव्यू जो है वो मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है? नहीं नहीं सर, मैं लेता हूँ ना। आशीष, ए आशीष, मैं क्या कहूँ, अभी ये किताब का चक्कर में तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। वो कॉम्पिटिशन चल रहा था तुम्हारा, उसका तैयारी कर लो, उसको फिनिश करो यार। हैं सर, वो मैं उस कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले रहा हूँ सर। क्यों, कुछ दिन पहले बना रहे थे ना तुम अपना जुड़वा भाई, और क्या हुआ? सर वो जिस भाई के लिए जुड़वा भाई बना रहा था वही छूट गया कॉम्पिटिशन। कोई नहीं सर, मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ। हाँ आप ले लीजिएगा इंटरव्यू, मैं चलता हूँ। क्या वो कॉम्पिटिशन भी छोड़ दी उसने? ओ यार असली, तू तो कहता था कि यूपीएससी से भागता है, एक बार उसका काम कर लिया तो कुछ भी कर लेगा। ओ इसके यार, जिसे उसका बाप नहीं सुधार पाया तू कैसे सुधारेगा? ए गुरी, एक चीज है जिससे वो यूपीएससी से भी ज्यादा भागता है। क्या? गुरी, युगों पहले ना कुरुक्षेत्र का मैदान में एक कर्म युद्ध हुआ था जिसमें अर्जुन अपने ही भाइयों से, अपने ही खून से लड़ा था। कल यहां ओल्ड राजेंद्र नगर में भी ना एक कर्म युद्ध होगा। अब देखना यह है कि हमारा अर्जुन अपने खून के सामने टिक कर खड़ा रहता है या मैदान छोड़ के भागता है। मुझे पता है आपका स्केड्यूल थोड़ा बिजी रहता है सर, लेकिन बिल्कुल ऐसे लास्ट मोमेंट पे टाइम निकाल के आए हैं आप, तो आपको तो थैंक यू बोलेंगे चरण सर। नहीं नहीं, कल मैं दिल्ली में ही था जब तुम्हारा कॉल आया। अच्छा अच्छा अच्छा, आज मीटिंग थी एक मंत्रालय में। हाँ। फिर तुमने बताया कि तुम्हारी बुक के लिए इंटरव्यू चाहिए, तो मुझे लगा चलो इसी बहाने ओल्ड राजेंद्र नगर का चक्कर लग जाएगा। बढ़िया है सर, बढ़िया है। कैसा है आशीष? आप देख लीजिए सर, ये रूम तो बिल्कुल पास में ही है। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा फिर उसका भी मन होगा घर जाने के लिए। पढ़ाई कैसे चल रही है उसकी? हाँ तैयारी चल रहा है सर, अब जब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। इसके हमारी फैमिली में हर जनरेशन में एक आईएएस रहा है, एंड आई डोंट वांट टू बी द लास्ट वन। ट्राइंग सर, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं बाकी। कम इन। अरे क्या हाल है बेटा? अरे आओ। कैसे हो? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? ये प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने हैं, जैसे मेरे बॉस से लिया करते थे लास्ट जॉब में। इसके ने बुलाया इसलिए आया हूँ। बताया नहीं आपने आ पा रहे हो, ऐसे कितनी बार दिल्ली आके बिना बताए लौट जाते हो? मैं यहाँ घूमने नहीं आता हूँ, काम करने आता हूँ, करके चला जाता हूँ। ठीक है बाबा, जो आपका काम हो जाए ना तो आप चले जाना। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे लगा था फाइनली यहाँ पर मेरा एक दोस्त बन रहा है, बट ये सर क्वेश्चंस हैं मैम से पूछ लीजिएगा। ए आशीष,
ये जो इंटरव्यू है सुजाता मैडम का नहीं है, चरण सर का है। और इंटरव्यू मैं नहीं लूंगा, ये तुम लोगे। ये सर वो मेरा बुक का वो इंटरव्यू टेस्टिमोनियल नोट्स वगैरह में मदद कर रहा था, तो क्वेश्चन प्रिपेयर किया है सर। जिसने क्वेश्चन प्रिपेयर किया इंटरव्यू वही लेना सर, है कि नहीं? आशीष लोगे ना इंटरव्यू? वो आएगा नहीं, उसे कुछ भी एक्सपेक्ट करोगे तो डिसअपॉइंटमेंट ही होगा, जैसे मुझे होता है। भाई पहले ही पता होता ना कि तू बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक में मान जाएगा तो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देता, बेकार में इतनी दूर आ गया। किसने बोला मान गया हूं? कर दूंगा भाई ऑर्डर। आशीष यार सॉरी यार, एक्चुअली यू आर राइट, ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए जरूरी था, आई वॉन्टेड टू विन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग यू। भाई तू ना किसी भी कॉम्पिटिशन से बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं यार, मैं भी पहले गुस्सा हुआ था, फिर बुरा लगने लग गया। एक ही तो दोस्त से इससे बात करके अच्छा लगता था यहाँ पर भी। लेकिन देख भाई, हम ना कंपटीशन में बिजी रहूंगा मैं, तो बात करने का उतना टाइम नहीं रहेगा, बट आई विल स्टिल ट्राई। ठीक है? ठीक है सर, मंत्रालय से कॉल था, 2 घंटे में बुलाया है। सुन लिया भाई, बुलावा आ गया है, जल्दी फिनिश करो इंटरव्यू फिर निकलूं। सर थोड़ा वेट कर लेते हैं। भाई तुझे पार्टिसिपेट नहीं करना तो मत करना यार, मुझे तो करने दे। राघव सुन, अगर तेरे बस की होती ना तो कभी मेरे पास नहीं आता हेल्प के लिए। क्या बोला था तूने? दैट यू वांट टू विन एंड यू नो यू कांट विन विदाउट मी। फिर भाई पॉइंट क्या पार्टिसिपेट करने का जब तुझे ऑलरेडी पता है कि तू जीतेगा ही नहीं। देख आशीष, एंट्री तो कर दी है, कुछ तो बनाऊंगा, गिव अप नहीं मारना है भाई। बिकॉज समटाइम्स ना नॉट गिविंग अप इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग। Now it's getting too late, इसके मुझे निकलना होगा। अरे नहीं नहीं सर, बढ़िया सर, ये फिनिश करते हैं सर। ये 2 चाय बोल देना सब्बू को। जी सर। भैया 3 कर देना। थैंक यू। भैया सर
स्टार्ट करें सर। शूट। माय फर्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम लाइक यूपीएससी? सी, एवरीवन हैज डिफरेंट स्ट्रेटजी, तो मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। आई हैड नो प्लान बी, तो जितना भी टफ था मैं लगा रहा, एंड इन द एंड हैविंग नो अदर ऑप्शन इट वर्क्ड फॉर मी। लेकिन जिनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं बहुत कुछ करने के लिए, वो कुछ नहीं कर पाते। सर मुझे लगा आप सिर्फ अपनी बात करने वाले थे। एनीहाउ, माय सेकंड क्वेश्चन टू यू सर, 99% एस्पिरेंट्स कांट क्रैक यूपीएससी, इट्स लाइक फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल। So how do you stay motivated? And does Rajinder Nagar play an important part in this? Well, old Rajinder Nagar has different sources of motivation. Like your teachers, fellow aspirants, ya phir wo chai ki tapri wala Shambhu, ya uske pitaji Shankar. But the biggest motivation is self-motivation. Agar aap 99% failure rate pe focus karenge, to obviously aapko ye loss pattern hi lagega. Lekin agar aap 1% सक्सेस रेट पर फोकस करेंगे तो दैट विल मोटिवेट यू टू नॉट ओनली फाइट दिस बैटल बट टू ऑल्सो विन इट। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड ही नहीं है उनके पीछे कितना भी पड़ जाओ कोई फायदा नहीं, उन्हें हर चीज लॉस बैटल ही लगती है और वो गिव अप कर देते हैं। आप भी दो अटेम्प्ट से फेल हुए थे ना सर? आपका मन नहीं क्या गिव अप करने का? किया था, लेकिन अगर मैं गिव अप कर देता तो आज जहां हूं वहां नहीं होता। पीपल हु क्विट नेवर विन। कभी टाइम मिले तो ओल्ड राजिंदर नगर को अच्छे से घूमना, देखना आधे एस्पिरेंट्स कहां से आते हैं। वो या तो किसानों के बेटे हैं या फिर ऑटो ड्राइवर के बच्चे हैं। क्विटिंग फॉर देम इज नॉट एन ऑप्शन, यूपीएससी इज देयर टिकट टू अ बेटर लाइफ एंड दे मेक इट। वो क्लियर करते हैं एग्जाम, लेकिन जिन्हें बचपन से सब कुछ मिला होता है उनके पास ये एटीट्यूड आ ही नहीं पाता है। वो किलर इंस्टिंक्ट, वो फाइटिंग स्पिरिट, डू अ डाइस सिचुएशन, दे डोंट नो। आशीष, आई गिव यू एवरीथिंग सो दैट यू डू व्हाट एवर यू वांट, बट यू डिड नथिंग। सिंगल पेरेंट होकर भी आई गिव यू लव, केयर, अटेंशन ऑफ बोथ द पेरेंट्स। शायद यही मेरी गलती थी कि तुम ऐसे हो गए। I'm not angry with you, Ashish. I'm telling you. It's just that I'm disappointed with you. Till now, you have done not a single thing to make me proud. कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं बोल सकूं, I am proud of you, बेटा. But I am proud of him, sir. आपका नहीं बताया सर, पर मैंने तो जो काम दिया वो पूरा किया आशीष ने, और वो भी तब जबकि मैंने जानबूझ के उसको मुश्किल बनाया इसके लिए, फिर भी पूरा किया। आपको तो लग रहा था सर इंटरव्यू लेने भी नहीं आएगा, बैठा है आपके सामने। आपने उसे ही कहा कि मैंने हर चीज का फ्रीडम दिया है इसको, पर इस उम्र में सर फ्रीडम के साथ गाइडेंस भी बहुत जरूरी है। पतंग को ऐसे उड़ाते हैं थोड़ा ना उड़ जाता है सर, कन्नी बांधना पड़ता है, मांझा बांधना पड़ता है, तब पतंग उड़ता है, वरना तो गोता का के गिर जाएगा ना सर। सो यू मीन टू से कि दिस इज माय फॉल्ट? अरे सर, सामने बैठा पूछो इससे, कितनी बार पूछा इससे क्या करना है, इसे पता ही नहीं क्या करना है।
तो क्या गाइड करूं मैं? सर उसे नहीं पता है क्या करना है, शायद इसीलिए सब कुछ ट्राई करता रहता है। पर एक चीज तो उसको पता थी ना सर कि यूपीएससी नहीं करना है, पर आपने भेजा ना सर। सर ये स्ट्रिक्टनेस वो गिटार लेसन का टाइम पर, स्टार्टअप का टाइम पर या वो जॉब का टाइम पर क्यों नहीं था सर? माना सर आशीष इज अ क्विटर, बट सॉरी टू से सर यू आर ऑल्सो अ क्विटर। यू क्विट ऑन थिंग्स बट यू क्विट ऑन हिम। अरे सर यूपीएससी भी 6 अटेम्प्ट्स देता है सर, ये तो आपका अपना बेटा है सर, इसे एक और अटेम्प्ट तो दे ही सकते हैं ना। बस प्लीज सर इस बार उसे फिगर आउट करने दीजिएगा सर उसे क्या करना है। एंड दिस टाइम सर डोंट क्विट ऑन हिम। हेलो, कंग्रेचुलेशंस सर, आपकी बुक के तो काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। अरे थैंक यू भाई। और समझ में आया जीवन में क्या करना है? सर जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही नहीं है? टाइम लगेगा सर थोड़ा, और जॉब बीच में छोड़ के आया था राजिंदर नगर, तो अभी तो यही करूंगा। अरे वाह, ज्वाइन कर लिए क्या? हाँ सर, बाय द वे सर मैंने उस कंपटीशन में पार्ट लिया फाइनली। अरे वाह, तो फिर क्या जीते वीते? जीता तो नहीं सर, पर बहुत कुछ सीखने को मिला। इतना समझ गया हूँ कि लाइफ में कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। आप भी तो यही सिखाना चाहते थे ना सर? अरे सर आप देखेंगे नहीं मैंने बनाया क्या है? हाँ यार जरूर देखेंगे। कैसे देखें बताओ? सर आपको जो पार्सल भेजा था वो है क्या अभी आपके पास? हाँ पार्सल यही है। एक लिंक भेज रहा हूँ सर, ज्वाइन कीजिए ना। चाय टपरी है भाई। आशीष तुम्हारा अवतार तो तुमसे ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। अरे तो और एसके कैसा है भाई? एसके सर आपकी लिस्ट की वजह से मुझे दो दोस्त और मिल गए।
फिर गुरी भैया और अभिलाष भैया ने बताया कि आप लोगों का अड्डा यही हुआ करता था। तो यार ऐसा लग रहा है सच में शंभू की चाय की टपरी में बैठा हूँ यार तुम दोनों के साथ। हाँ या तो तुम दोनों 3D में हो इसलिए, या अपनी दोस्ती बड़ी गहरी है इसलिए। हाँ काफी टाइम हो गया ना अड्डे पे मिले हुए। काफी टाइम हो गया, अब तक याद भी नहीं है। और इसके राइटर बन गया तू तो, कभी राइटर का ऑटोग्राफ लेने ही आ जा। शिवाने अपना पुराना दोस्त से तो मिल लेगा भाई। ओ भाड़े पे लिखवाई इसने किताब, क्यों आशीष? अरे कहाँ गुरी भैया, मैंने इनकी नहीं, इन्होंने मेरी हेल्प करी है। पर एक चीज है जिसका स्वाद अभी अभी लगा था कि मैं वहां से निकल आया, शंभू की चाय। अरे आशीष, राजेंद्र नगर और शंभू की चाय, इनका स्वाद एक बार लग जाए ना तो फिर जल्दी छूटता नहीं है, चाहे आप कितने भी दूर चले जाओ। यार मुझे ना शंभू की चाय की स्मेल यहां तक आ रही है यार, वो वही लौंग, वही इलायची। हाय 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 हाय, ए चुप कर नौटंकी, ये चाय का स्वाद तो सामने बैठकर ही लेना पड़ेगा। सोचो जनवरी की गुनगुनी धूप और साथ में एक गरम चाय का घूंट, साथ लगेगी मठरी बहुत ही प्यारी। और शंभू क्या बोलेगा, गोरी भैया ओनली कैश नो उधारी। अरे वाह वाह वाह, मचा दी गन तूने। इसके एक बात बता यार, और तूने अपनी घटिया शायरियां जो है किताब में तो नहीं डाली ना, लड़के पढ़ के एस्पिरेंट से आशिक बन जाएंगे। क्या बोल रहा है भाई। कोई नहीं यार, मिलते हैं जल्दी दिल्ली में, क्या बोलता है विलाश? यार मुझे ना थोड़ा काम रहेगा। पर मैं आऊंगा जरूर, हाँ प्लान फाइनल करके बताता हूँ ट्राईपॉड पे, ठीक है? अरे ये हुआ ना बात, वाह बस सही है। और तब तक शाम की चाय यहाँ साथ में तो पी सकते हैं ना, है ना? हाँ बिल्कुल पी सकते हैं। भाइयों रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, पर हर साल चाय टपरी पे आके मिलेंगे जरूर। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये तो अड्डा है अपना। क्या इमोशनल क्लाइमैक्स था, आशीष का उसके पापा के साथ का सीन और मेटावर्स में ट्राइपॉड ऑन चाय टपरी देख के गूज़बम्स आ गए, इसको कहते हैं फिनाले। हाँ यार, और मुझे भी मेरे कॉलेज के दोस्तों की याद आ गई। क्या आप भी आपके दोस्तों को मिस करते हो? देन यू कैन गो एंड रीलिव दैट टाइम एंड मेक न्यू मेमोरीज नाउ इन मेटावर्स। हाँ, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि मेटावर्स में आप किससे मिलना चाहेंगे। हमारी सीरीज एसके सर की क्लास को ढेर सारा प्यार दीजिए बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग द सीरीज एंड गो एंड सब्सक्राइब टू द वायरल फीवर।